राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले पर चुप्पी साधने वाला सचिन पायलट खेमा भी अब धीरे धीरे इस मामले पर अपना पक्ष रखने लगा है। दरअसल राजसमंद से बीजेपी की सांसद दिया कुमारी ने फोन टैपिंग के मामले पर ट्विटर पर अपना एक बयान जारी किया था। राजकुमारी दिया कुमारी ने लिखा था कि प्रदेश में विधायकों, केंद्रीय मंत्री एवं अन्यों के राजनीतिक स्वार्थों के कारण फोन टैपिंग प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, यह संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन और लोकतंत्र की हत्या है। राजकुमारी के इस ट्वीट के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी अपनी राय रखी थी। विश्वेंद्र सिंह ने दिया कुमारी के इसी ट्वीट को रीट्वीट कर उन्हें अपना समर्थन दिया था। हालांकि कुछ देर बाद ही विश्वेंद्र सिंह ने अपना ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक विश्वेंद्र सिंह का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। राजस्थान में फोन टैपिंग प्रकरण में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कांग्रेस के विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा का भी नाम लिया गया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित भी किया था। अब फोन टैपिंग के इस मामले को लेकर बीजेपी के तमाम नेता सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेसी खास तौर पर पायलट खेमे के नेता भी पर्दे के पीछे से बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायक पिछले दिनों अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान लगाते हुए विधानसभा में गहलोत सरकार पर निशाना साध चुके हैं। हेमाराम चौधरी और ब्रजेंद्र ओला जैसे वरिष्ठ विधायक भी गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, तो विश्वेंद्र सिंह को भी मौके पर चौका लगाने का मौका मिल गया। विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी और ब्रजेंद्र ओला की बातों का खुला समर्थन कर दिया। अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों की ऐलानबंदी आने वाले दिनों में गहलोत सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने के लिए काफी है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से एडिटर शरद कुमार की रिपोर्ट।